भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी देर पहले बैडमिंटन खेल के उठे हैं और आज वो प्रचार नहीं कर सकते हरियाणा के मुख्यमंत्री, और वहां आज पोलिंग डे है, वहां मौजूद संवाददाता उमाशंकर सिंह, उन्होंने बात की। बैडमिंटन कोर्ट पर पसीना बहाने के बाद मुख्यमंत्री हुड्डा जो हैं वो चाय पी रहे हैं, और आज इनसे हम बहुत गंभीर बात नहीं करेंगे बल्कि लाइट बात करेंगे। आज भी आपने पसीना बहाया, तनाव कम करने के लिए या तनाव नहीं है ये दिखाने के लिए? तनाव कोई नहीं होता, और ये तो मेरा रेगुलर वो है, सुबह जो है वैसे तो टेनिस खेलता हूँ रोज, लेकिन जहाँ टेनिस उपलब्ध नहीं होती है वहाँ बैडमिंटन खेलता हूँ अपने साथियों के साथ, मेरे पुराने साथी हैं जी। अब इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत तरह की बातें देखने को मिली, कांग्रेस में बहुत नेता जो हैं छोड़ कर गए, जब मुकाबला बिल्कुल सिर पे हो और ऐसे में टीम में डिफेक्शन हो जाए, कोई चला जाए, तो मुकाबले पे क्या असर पड़ता है? ऐसा है, ये तो हर चुनाव से पहले पार्टियों का आवागमन हो जाता है, कांग्रेस का नहीं, दो तीन किस्म के व्यक्ति होते हैं, कुछ टिकट की उम्मीद करते हैं टिकट नहीं मिलती तो वो छोड़ जाते हैं, कुछ हारे हुए हैं खिसकी हुई है वो अपनी भूमि की धराताल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है और ये पहली दफा नहीं हुआ, 2009 में भी 2005 में भी ऐसे हुए, उस समय बहुत सारे नेता छोड़ गए थे, 2000 अपने आप को दिग्गज नेता कहते थे जो 11 साल मुख्यमंत्री रहे, चुनाव से कुछ दिन पहले मदनलाल जी वो कांग्रेस छोड़ गए थे, फिर भी कांग्रेस दूसरी बार सरकार में, मतलब है कि मुकाबले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई खिलाड़ी चला जाए? लोग बहुत समझदार हैं, वो व्यक्ति वो देखते हैं किस पार्टी भला कर सकती है। हुड्डा साहब, एक बात कही जाती है कि राजनीति में जो खेल भावना है वो काफी कम हो गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आप खेल नीति को बहुत बढ़ावा की है, आपको लगता है अपना खेल के राजनीति के मैदान में भी होनी चाहिए? मैं तो राजनीति में उसी भावना से राजनीति करता हूँ, बगैर किसी के बदले की भावना से, और ये तो खेल का मैदान है राजनीति भी, कोई दो आपस में खिलाड़ी खेलते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन खेल के मैदान से बाहर तो सब दोस्ती होते हैं। लेकिन जिस तरह के निजी आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं, इस बार भी लगे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात को वो नहीं करता, और कुछ गरिमाएं रखनी चाहिए, तो महसूस हुआ आपके कुछ गरिमाओं का उल्लंघन हुआ है और शीर्ष नेताओं से हुआ है, वो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कहीं भी गरिमा का उल्लंघन नहीं किया। एक आखिरी सवाल कि आपके साथ जो बैडमिंटन खेलते हैं वो आपको कहीं से थोड़ा बहुत फेवर करते हैं कि सीएम साहब से बेहतर मुझे नहीं खेलना है, या सब सोचते हैं कि नहीं मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूं? जो खिलाड़ी होता है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है जी। और चलते चलते आप क्या लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में निकलकर वोट करें और जो लोकतंत्र का ये पर्व है उसको सफल? मतदान देखो, मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, मेरे दादा भी स्वतंत्र सेनानी थे, मेरे पिताजी भी थे, और मेरे पिताजी तो संविधान के निर्मात्री सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान लिखा है, संविधान में हमारे को अधिकार दिया है उसका उपयोग करना चाहिए, इतनी मुश्किल से देश आजाद हुआ है और इसी वास्ते आजाद करवाया है कि हर व्यक्ति अपने अपने उसका स्वतंत्र है, उसको किस प्रकार की सरकार चाहिए और उसका अधिकार है, अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, ये देश के हित में भी है प्रदेश के हित में भी। शुक्रिया। तो ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कह रहे हैं कि हर किसी को अपने मतदान का अधिकार जो है वो करना चाहिए, वो कहते हैं कि उनका मुकाबला उस पार्टी से है जो दूसरे नंबर पे आएगी, कांग्रेस का पूरा कि यहाँ पे तीसरी बार चुनकर आएगी, हालांकि अलग अलग दलों के इसी तरह के, और इस बीच जो हरियाणा में जो मतदान का काम है वो जारी है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।